टेस्ट है आपको पता है 19 से स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स किस दिन है आप देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए क्लास 8 तक का टेस्ट है और सिलेबस PT1 का है, लेसन 1, 2, 3 एक से लेकर 3 तक एंड लेसन 10 ये एक्सपोनेंट है। टाइम आपका 12:30 से 2:30 के बीच में आपको जब मोबाइल मिलता है अवेलेबल होता है, क्योंकि बहुत सारे के पास मोबाइल पापा नहीं है घर पे या लेट से आए हैं या दो भाई बहन हैं, तो आप उसी टाइम में बिकॉज 20 क्वेश्चंस रहेगा और वो हार्डली हाफ एन आवर आपको लगेगा हार्डली, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भाई 20 क्वेश्चन तो 20 साल में भी आपसे नहीं होने वाला, नहीं जानते हैं तो ऐसी तो है नहीं, आप पढ़ते लिखते हैं मेहनत करते हैं तो आपको आएगा, बिल्कुल आएगा, तो आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आप सेंड कर देंगे, उसमें हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, आप अपने एक नोटबुक के साथ वहाँ बैठेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और नोटबुक में रफ करेंगे और उसके बाद उसका आंसर में टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, सब क्वेश्चंस मैं इसमें करीब 10 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उसका फ़ोटो भी भेज देता हूँ, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ये 10 क्वेश्चन का 10 एग्जैक्टली सेम वही नहीं रहेगा, आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एक्सपोनेंट से, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर मान लो कोई भी मैं एक देता हूँ, इसमें अलग नंबरिंग है उसमें अलग होगा, सपोज 125/27 का पावर 1/3 ठीक है, इसका जो है दिस इज क्या होगा ए, मैं एक आंसर लिखा 1/5 यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, फिर बी में मैंने लिखा 2/5 फिर यहाँ एक बॉक्स रहेगा, फिर मैं लिखा सी में मैंने लिखा 3/5 फिर यहाँ एक बॉक्स रहेगा, डी में है आपको 4/5 ठीक है, फिर यहाँ एक बॉक्स रहेगा, आपको सिर्फ सही आंसर में टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या, तो आपको अगर डायरेक्टली आता है तो कर सकते, नहीं तो रफ करना पड़ेगा, 125/27 का पावर 1/3 अभी ये मुझे बताइए 125 को 5 क्यूब लिख सकते हैं, 27 को आप 3 क्यूब लिख सकते हैं और इसका पावर है 1/3 तो ये कितना हो जाएगा 5/3 पावर क्या हो जाएगा इसका, इसका 3 हो जाएगा होल टू द पावर 3 और इसका पावर 1/3 तो ये कितना हो जाएगा 5/3 टू द पावर 3 इंटू 1/3 3 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/3 तो 5/3 इज द करेक्ट आंसर, तो 5/3 में हम एक टिक मार देंगे, ये आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये स्क्वायर रूट से है ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने कल भी सॉल्व किया था, एवरी डे आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं देखते हैं इसलिए आपको दिक्कत होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, ये दिया हुआ है ये 5 + √11 प्लस √18 प्लस √49 ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसमें ऑप्शन क्या दे इसका आंसर्स, इसका आंसर्स ए में दिया हुआ है 3 यहाँ एक बॉक्स होगा, बी में दिया हुआ है आपको 9 यहाँ एक बॉक्स होगा, सी में दिया हुआ है 7 यहाँ एक बॉक्स होगा, डी में दिया हुआ है 5 डी में दिया हुआ है 5 यहाँ एक बॉक्स। अब इसका आंसर क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ये दिया हुआ है इस तरह से, तो इसको 1/1 करने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे 11 है, प्लस यहाँ पे उसके बाद क्या है 18 है, प्लस यहाँ पे कितना है 49 है। अब देखिए 49 का रूट हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 49 का रूट कितना हो जाएगा, 49 का रूट हो जाएगा आपको 7 7 + 18 कितना हो जाएगा 25 अब 25 का रूट क्या होगा 5 तो 5 + 11 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 + 5 9 अब 9 का रूट फाइंड करेंगे तो 9 का रूट क्या होगा 3 तो इसका आंसर क्या होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर ये 9 हो गया, 9 का रूट हो गया 3 ये करेक्ट आंसर हो गया। आपको ये रफ में सॉल्व करना है, ये आपको कोई देखेगा नहीं, आपको अपने लिए है ये 5 + 11 + 18 + 7 ये कितना हो गया, अब ये हो गया 5 + 18 + 7 25 अब 25 का रूट हो जाएगा 5 अब ये हो गया
5 प्लस 11 प्लस 5 16 और 16 का रूट हो जाएगा आपको 4, अब 4 प्लस 5 9 और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। तो ये प्रोसेस आपको दिखाना नहीं है, आप रफली जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे और करके आप सिर्फ आंसर में टिक कर देंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, मान लो 3 का रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज, एक आंसर दिया है आपको ए में 1/0 बॉक्स, बी में 0, सी में ब्लैंक बॉक्स, सी में डज नॉट एग्जिस्ट और डी में आपको दिया हुआ है 0/1। अब इसमें सही आंसर को टिक करना है डी में 0/1। अब देखिए 0/1 1/0 कभी हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट डिफाइंड, तो ये नहीं होगा, 0 का रेसिप्रोकल 0 नहीं होगा डज। और अगर हम लिखेंगे 0 का अगर 1/0 तो नहीं होगा, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, इसमें सिंपली आपको जो है इसमें क्या करना है, सिंपली कोई सॉल्यूशन या कुछ करके नहीं करना है, इसमें सिर्फ टिक कर दीजिएगा। ऐसी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी होंगे, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको और दे देता हूँ, फोटो भेज देता हूँ, आप कर लीजिएगा।